हाय ऑल सीएस फ्रेंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज स्टूडेंट जिनके स्टूडेंट जिनके एग्जाम जो है वो फिनिश हो चुके हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम तो फिनिश हो चुके हैं, अब उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। जो सबसे पहले जो सीएस फाउंडेशन के अपने स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं अपने, उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि अगर वो कॉन्फिडेंट हैं, अगर लगता है उनको कि कॉन्फिडेंट हैं, अगर उनको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं, एग्जाम निकल जाएगा उनका, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी जो एग्जीक्यूटिव है उसकी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है गाइस। अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट नहीं है आप बिल्कुल भी, जिसको लगता है, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, दो दो घंटे एंजॉय भी करना चाहिए और पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ओके गाइस। अब ये तो मेरा फाउंडेशन वालों के लिए था, अब मेरा है दोस्तों एग्जीक्यूटिव वालों के लिए और प्रोफेशनल वालों के लिए, जो अपने एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं और जो है हम अपने प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं। सो गाइज उनके लिए ना मेरे पास अभी आपके पास काफी लंबा समय है, जो प्रोफेशनल के और एग्जीक्यूटिव के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास काफी काफी समय है, तो मुझे लगता है कि ना अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है उन पर ध्यान देना चाहिए आपको अभी जो है। मुझे लगता है कि एग्जीक्यूटिव जो वाले हैं उनको कोचिंग लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वेट कर लीजिए। आपको जिसको भी डाउट है, जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वाले जिसको भी डाउट है फ्रेंड्स, वेट ना करना, आप पढ़ना जो है स्टार्ट कर देना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ना आप स्टार्ट कर देना। थोड़ा कम पढ़ना लेकिन आपको मतलब वो चीज मेमोरी में रहे, अचानक ही रिजल्ट आ जाएगा और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना, लेकिन आप समय निकाल कर ना मुझे लगता है कि आपको अभी से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी चाहिए, जो हम लोगों को गाइड नहीं किया गया था, जो हम लोग नहीं कर पाए थे। मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा जो समय है ना वो आपको स्टॉक मार्केट की न्यूज थोड़ी बहुत देखनी चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जो हम लोगों को इस तरफ जाना ही है, इस तरफ मतलब कि आप जब क्वालिफाइड होंगे, जब जॉब करेंगे या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जो आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, तो आप मतलब क्या नाम है इसका, यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, काफी सारे जो यूट्यूब चैनल है आप उनको मतलब वीडियो को डाउनलोड करके आप जब सो रहे हैं कभी आराम करें तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। मैं काफी सारे चैनल आप जो है हमारे क्या नाम है नीरज सर हैं, नीरज एंड परिमल शो है आता यूट्यूब पे, नीरज एंड परिमल शो आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, ठीक है। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स खरीदो, मना मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई रिक्वायरमेंट है, यूट्यूब पर काफी कुछ अवेलेबल है, मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से चैनल आपको है। एक सीए रचना रनाडे है, सीए रचना रनाडे के बहुत ही बेस्ट है ये यूट्यूब चैनल, बेस्ट है ये स्टॉक मार्केट के लिए यूट्यूब चैनल बेस्ट है, और काफी सारे हैं इन्वेस्टमेंट आजकल है, ये भी सब अपने सब सीए हैं अपने हो गया। और एक और जो मैं बेस्ट बोलना चाहूंगा, प्रांजल कामरा, मुझे लगता है प्रांजल कामरा जो है वो मतलब नंबर वन है, प्रांजल कामरा हो गया, सीए रचना रनाडे हो गया, और हो गया आपका फिनोलॉजी, ठीक है, ये सब जो है बेस्ट है। और आपको मैं बोलना चाहूंगा, मैं आपको बस नाम बता रहा हूँ, नीरजन परिमल शो अच्छा है काफी, सीए रचना रनाडे हो गया, प्रांजल कामरा हो गया, फिनोलॉजी हो गया आपका, और आपका असट योगी हो गया, ठीक है। आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप जो है स्टॉक मार्केट में अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो आप ओपन करा सकते हो, मतलब ग्रोथ कर सकते हो, ये फ्री है। अगर वैसे 300 रुपए लगेंगे आपके जीरोधा से करना चाहो तो जीरोधा से भी कर सकते हो, जीरोधा वैसे बेस्ट है, मैं तो खैर जीरोधा ही करता हूँ, मैं किसी का कोई किसी से मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलती, बट मैं आपकी हेल्प के लिए कि आपके ये सारे यूट्यूब चैनल जो है मैंने आपके लिए दे दिया है। कम्युनिकेशन पर आप काम कर सकते हो, इंग्लिश पर काफी सारे यूट्यूब पर चैनल अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट की आप न्यूज ले सकते हो आप, ठीक है। नीरजन परिमल शो बता दिया मैंने, सीए रचना रनाडे के नाम से यूट्यूब चैनल है, प्रांजल कामरा के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, फिनोलॉजी है, असट योगी है, ये सारे बेस्ट यूट्यूब चैनल बेस्ट यूट्यूब चैनल्स हैं और स्टॉक मार्केट, ओके। आप इनसे नॉलेज ले सकते हो, एक दो वीडियोस देख लो दिन की, कितना 10-15 मिनट लगेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आप एग्जीक्यूटिव वाले जो है जब ट्रेनिंग करेंगे, आर्टिकलशिप करेंगे, तो या फिर प्रोफेशनल वाले जब जॉब करेंगे, तो सबसे जो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक्सेल की, एमएस एक्सेल की, ओके, एमएस एक्सेल की। तो भी काफी सारे यूट्यूब चैनल आप भी सर्च कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए दीपक एजू वर्ल्ड के नाम से है, दीपक एजू वर्ल्ड के नाम से, दीपक एजू वर्ल्ड के नाम से है आपका, लर्न मोर के नाम से है, एंड माई बिग गाइड के नाम से है, माई बिग गाइड हो गया, फोर्थ वन माई लाइफ सपोर्ट। मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको ना आप कोर्सेज को ना गाइस परचेज भी कर सकते हो, अगर आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो मैं यूट्यूब के चैनल आपको सर्च नहीं, मैं आपको बेस्ट बता दे रहा हूँ जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो काफी सारे जो है कोर्सेज देते हैं, एक्सेल के भी कोर्सेज देते हैं, तो आप परचेज कर सकते हो, मुझे लगता है कि यूट्यूब से भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो बेस्ट चैनल मैंने बता दी, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि और कोई बेस्ट हो सकता है, दीपक एजू वर्ल्ड मैं देखता हूँ, लर्न मोर हो गया, माई बिग गाइड हो गया, माई लाइफ सपोर्ट हो गया, एंड और भी काफी सारे हैं। तो आपका स्टॉक मार्केट की एक दो वीडियोस देख सकते हो आप, एमएस एक्सेल की देख सकते हो आप, ठीक है। आप इंग्लिश कम्युनिकेशन पर फोकस कर सकते हो, काफी सारे यूट्यूब पर चैनल अवेलेबल हैं, एंड काफी सारे हैं आपका मतलब आपका मैं बता सकता हूँ, एक चैनल है अलीना रेज, वो कम्युनिकेशन पर अच्छा काफी बताती है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अलीना रेज हो गया आपका,
एंड लर्नेक्स हो गया, काफी अच्छा चैनल है लर्नेक्स, लेट्स लर्न विद इंग्लिश, ये भी लर्नेक्स वालों का चैनल है, ठीक है, लेट्स लर्न लिखना। और आपको अलिना रेज हो गया, लर्नेक्स हो गया, लेट्स लर्न हो गया, और इनके ये 5 मिलियन इनके है इंग्लिश गुरु, ठीक है। आपका स्टॉक मार्केट में जा सकते हो कि आप नॉलेज ले सकते हो, वीडियो देख सकते हो, एमएस एक्सेल हो गया, यूट्यूब पर अवेलेबल है, कोई कोर्स आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हो, वैसे यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, बेस्ट चैनल मैंने आपको बता दिए हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन के, अरिना रेज हो गया, लर्नेक्स हो गया, ये मतलब 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर है, 50 लाख लोग इसके साथ जुड़े हुए, इंग्लिश गुरु के साथ कम से कम मतलब 5.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है इंग्लिश गुरु के। तो ये सारे अच्छे चैनल और भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो प्रोफेशनल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट हो गया आपका, एमएसएल हो गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, और हाँ, और जो प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अपनी दिली इच्छा होती है कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करें, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करें, ठीक है गाइस, वो क्या करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, सबकी इच्छा होती है, जो प्रोफेशनल वाले जिनको लगता है कि वो क्वालिफाइड हो जाएंगे और जिनका क्लियर हो जाएगा, तो वो लोग क्या होते हैं, पीएसयू की तैयारी कर सकते हैं। सीएस में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है पीएसयू के लिए, सीएस इतना अच्छा कोर्स है, इतना शानदार कोर्स है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो वेस्ट मत करना। अगर जिसको लगता है प्रोफेशनल वालों को कि मेरा क्वालिफाइड हो जाएगा, तो डू नॉट वेस्ट, आप जॉब में देख सकते हो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपका एक चैनल है यूट्यूब पर, एक चैनल है आपका कि सारी जितनी भी आपकी सीएस सीएस सीएमए की जितनी भी इन तीनों कोर्सेज की जो जो भी गवर्नमेंट जो पीएससी की वैकेंसी आती है, पीकेसी गुरु नाम से चैनल है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस पीकेसी गुरु चैनल पर। ध्यान रखना, मैं किसी का भी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं केवल आपके लिए वीडियो बनाई, कुछ कुछ भी जो मैं इंप्लीमेंट करता था, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है। यूट्यूब होगा पीकेसी गुरु, ठीक है, और पीएससी की तैयारी करना, ध्यान रखना पीएससी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, जब आप कैंपस में जाते हो वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या अगर आपका ऑफ कैंपस भी है तो पीएससी सीए सीएस सीएम इन तीनों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, सीएस के लिए भी, पीएससी में ज्यादा, पीएससी से बढ़कर, और क्या, आपकी माता पिता कितने खुश होंगे अगर आपका पीएससी में सिलेक्शन हो जाता है। तो प्रोफेशनल वाले प्लीज, और आप बिल्कुल यार अब कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं, आपको रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, सब आपको क्या है, कितने सब कुछ अवेलेबल है, वाईफाई स्टडी हो गया आपका, वाईफाई स्टडी हो गया आपका, और आपका डियर सर हो गया, आपका डियर सर हो गया, आपका अनअकैडमी हो गया आपका, ठीक है, और भी है, वाईफाई स्टडी हो गया, दीपक सर हो गया, अनअकैडमी हो गया, इससे ये भी आपके लिए सफिशियंट है, और भी मुझे अड्डा हो गया, ठीक है, अड्डा नाम से भी एक, अड्डा 247 के नाम से भी एक, और एक दो चैनल और हैं जो मैंने देखो आपको बेस्ट, आपके जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी तैयारी कर रहे हैं पीएससी के लिए जितने भी हैं, तो सबके लिए बेस्ट है मेरा। तो सीएस फाउंडेशन वालों को कंक्लूड कर रहा हूं मैं वीडियोस को, सीएस फाउंडेशन वाले अगर जिनको डाउट लगता है, तो सीएस हो, एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो, जिसको डाउट लगता है वेस्ट ना करे, टाइम का एंजॉय भी करे और थोड़ा सा समय अपनी स्टडी को भी ध्यान दे, ठीक है, फाउंडेशन वालों को लगता है तो एक दो सब्जेक्ट वो एग्जीक्यूटिव की क्लासेस ले सकते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले प्रोफेशनल वालों को बोल सकता हूँ कि जिनको डाउट है तो अपना स्टडी पर ध्यान दें, थोड़ा समय निकालकर एक आध वीडियो स्टॉक मार्केट की देख ले, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, इस पर काम कर सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, इस पर काम कर सकते हैं, और जो प्रोफेशनल वाले हैं जिनको 100% या लगता है या 90-80% लगता है कि वो क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो मुझे अगर जिनका इंटरेस्टेड है, अगर जिनका इंटरेस्ट पीएससी की तरफ है यानी सरकारी नौकरी की तरफ रुख है, तो कर सकते हैं, जितनी भी सरकारी वैकेंसी होगी, एक यूट्यूब चैनल है पीकेसी गुरु, वहां पर आपको सारी वैकेंसी जो है अवेलेबल हो जाएंगी, ओके। अगर जो पीएससी की तैयारी करता है कोई भी, अगर पीएससी की तैयारी करता है कोई भी बंदा, तो उसको क्लासेस लेने की या गवर्नमेंट कोचिंग लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वाईफाई स्टडी हो गया आपका, डियर सर हो गया आपका, अन अकेडमी, ये सारा का सारा कंटेंट जो है ना आपको फ्री में मिल जाएगा, ओके। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो डेबिट गुरु के नाम से एक है, आपको सबसे लेना पड़ेगा, तो वो सब वो वहां पर आप वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा कंक्लूडेड वीडियो था, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल सीएस स्टूडेंट्स वंस अगेन, एंड ठीक है, ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा, काम की वीडियोस होगी, कोई भी अगर सजेशन दे रहा तो सजेशन दे रहा, उसमें इंप्रूवमेंट मैं ऐड बैक कर दूंगा उसमें, एंड मैंने अच्छी कोशिश करी है बनाने के लिए कि जो सेल्स प्रोफेशन है, फाउंडेशन वालों, एग्जीक्यूटिव वाले और जो है प्रोफेशन वाले क्या कर सकते हैं, ओके गाइज, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूंगा, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय गाइज।